सामने गाइस आपको अच्छा व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं ये लोग, पहाड़ के ऊपर जाने नहीं जा रहे, ऊपर जो है वो साफ सफोले आए हुए हैं। कितने सारे लोग डंडे डंडे भी लाए साथ, ये कोई ना कोई किसी ना किसी मसाइल में आगे बैठा हुआ है। बॉर्डर किनारे सामान वामान लेके आगे से मिलेगी इजाज़त तो जाएंगे नहीं। वो कुछ लोग पानी में नीचे कूदने की सोच रहे हैं। अच्छा अब जो है ना उनको हमें मनाना है, वो हमारे भाई हैं, वो जो कोने पे जाना चाह रहे हैं कूदना चाह रहे हैं, हमें उनको मना करना है। भाई नीचे जाने की नहीं सोचना बिल्कुल। क्या गहराई जाता है नीचे की? अच्छा तो क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद सीधे बॉर्डर पे बताते हैं, बॉर्डर से इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने के लिए, यहाँ से इजाज़त। अच्छा अच्छा अभी इजाज़त नहीं है तो यहाँ पे कैंपिंग करेंगे यहाँ पे। भाइयों नीचे नहीं जाना यार, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा क्या क्या आपने सर्च किया नीचे देख के? क्या नज़र आ रहा है? जिंदगी नज़र आ रही है नीचे दूसरी? इजाज़त नहीं मिल रही है ये। अच्छा ये जो है ये बिल्कुल घर वालों से बिल्कुल लड़बड़ कर आ गए। हम इनको ले तो आए लेकिन इनका दिल की जो है ना बात करेंगे इनसे शेयर। अब भाई क्या हुआ कैसे क्यों बैठे हैं आप? नीचे जाने का दिल कर रहा है, फना होने का दिल कर रहा है। आगे बैठ गए हवा में बोलने यार ये क्या करें? आपका ना टेंशन खत्म हो गई है ना, टेंशन सारी खत्म कर दी है। मतलब यार ऐसे ही होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए पिकनिक का ना। यासिर यहाँ पानी में नहाने का भी इंतज़ाम है, तुम अगर नीचे चले जाओ तो पैर वैर गीले कर सकते हो। अपने तुमने शॉर्ट वैसे ही पहनी हुई है तो लेंगे बाद में, टंकी वाला है, मैं हम तो पहुँचाए। वो आ रहा है शिप, वो सामने से देखे शिप आ रहा है, इसमें बिठाएंगे इनको। ये छोटा शिप भी है लेकिन बड़े शिप का इंतज़ार हो रहा है। ये तो तुर्की जाने वाले यार, इनको आगे से इजाज़त नहीं मिल रही है, अभी नीचे ही बैठ गए। ये एजेंट है हमारे, इधर आए भाई। ये हमारे, ये जब तक गो अहेड नहीं देते ना तो आगे नहीं बढ़ते। अभी इन्होंने बोला आगे का आसमान का जो है ना तापकार देख के इन्होंने हिसाब लगाया है कि कुछ मामला ख़राब है। अच्छा असल में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कपड़े वपड़े ना पूरे पहन के रखते हैं, यहाँ आगे ना एकदम उतार देते हैं। इन्होंने बिल्कुल ये जो ना घर से भाग कर आए, उन्होंने बोला कि हम जो ना यहाँ पे आके सुकून से डांस करेंगे और जो है ना कपड़े उतारेंगे। छोटा सा है इसमें जाएंगे क्योंकि देखिए जब तक हम लोग सामने आ गए पता नहीं चलेगा आगे हो क्या रहा है। कैंपिंग लगाने की बड़ी कोशिश हो रही है और हवा में कैंपिंग लगा रहे हैं। अकल की आप इनकी दाद देता हूँ, नीचे जमीन पूरी छोड़ के आसमान पे आ गए। वेरी गुड भाइयों, लगे दम तो मिटे गम। ये देखे आप, ये इन्होंने पूरी ज़मीन पूरा वो देखे समंदर कोना छोड़ के ना पहाड़ के ऊपर आ गए। ये देखें और कह रहे हैं यहाँ पर जो है ना हम हथेली पे सरसों जमाएंगे। हथेली पे सरसों, इसको पहले से दबाना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि इसमें हवा ना पड़े और इसको नीचे रखना पड़ेगा सरसों। नहीं नहीं मैंने हल्का सा रखा हुआ, रोड दबेगी नहीं है, हवा भरता रहेगा ना। ये थोड़ा सा जो है ना मरल है और इस पिकनिक में सबसे मुश्किल मरल है कैंपिंग। हाँ हवा का दबाव है पहाड़ में, हम लोग ज़मीन पे नहीं है तो हवा का दबाव ज़्यादा है। अगर ज़मीन पे हम बैठ जाते तो लेट भी जाते तो वो अच्छा था, लेकिन ये पहाड़ पे लाए हमें नीचे से जो है ना वो पत्थर चुबाने के लिए, चूदड़ों में पत्थर चुबाए और आप जो है ना वो सारी रात जागते रहे। सही है ना? अब ये देखो ये जो है ना ये
डंडी में डंडी घुसड़ने की ना चाइना ने बना दी वो क्या कहते हैं उसको निडल, उसके अंदर इन्होंने होल लगा दिया। देखें आप ये दोनों साइंसदान साइंसदान है जो है ना वो चाइना की जो उन्होंने बनाई थी निडल, उसके अंदर जो गड्ढा किया था वो भाई कामयाब हो चुके हैं इसमें। अरे अच्छा अभी यार यानी कि आप ये देखें हम लोग एक लड़की भी साथ लाए। ओह अरे माँ क्या निकल कर आया है खूबसूरत एकदम भाई। ये असल में जो है ना ये जो नवाज शरीफ वाले ना बट कश्मीरी ये वो हैं, देख रहे हैं आप इधर देखें सलाम करें खूबसूरत एकदम बिल्कुल जो है ना चिकने अच्छे खूबसूरत हैं। तो भाई मॉडलिंग में भी आते हैं, मॉडलिंग करते हैं इनका पूछता हूँ मैं कौन सा आजकल ये शो बना रहे हैं, कौन सी आपका वो है किस उससे ताल्लुक है आपका है सर? ये एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, पार्ट टाइम राइटर भी हैं दो चार। राइटिंग भी अच्छी करते हैं और ज़बरदस्त। सर बताएं थोड़ी सी राइटिंग अपनी। मैं राइटिंग क्या लिख के बताऊँ यहाँ पे? नहीं नहीं यानी कि कहने का मकसद है क्या क्या आपने ज़िंदगी में मुश्किल आई राइटिंग में, कब आपको कब आपने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए? मैं पैदा होने के अगले दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँ, तो इसलिए मैंने लिखने का फैसला किया, तब से मैं लिखता आ रहा हूँ। अच्छा ये किताबें तो लिखे जा रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटियों में स्टूडियो में बंद पड़ी हुई है, कोई पढ़ी नहीं रहा। सब नोट नेट सोशल मीडिया तस्वीर से भाई के यूट्यूब चैनल को वीडियोस तो बन रही है कोई देख नहीं रहा, इसी तरह लिख रहे हैं पढ़ नहीं रहा। सब्सक्राइब करें इनको भी, हां सब्सक्राइब करें इनका चैनल और जो है इंशाल्लाह ताला हां ये बहुत मेहनत हमारी हो रही है, एंजॉय भी हो रहा है ऐसी बात नहीं है ठीक है ना, और शौक का कोई मोल ली जैसे इन्होंने किताबें लिखी हैं। हमने कि आज का वीलॉग यहीं पे एंड करते हैं, अब हमने पेंट भी चेंज करनी है। ओह ये इतना पब्लिक को नहीं दिखा सकते मेरा। वेरी गुड वेरी गुड मेरा ट्राउजर।